महाराष्ट्र सरकार राज ठाकरे पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसा है कि मेरी समझ से तो सबसे पहले राज ठाकरे को जेल में डाल देना चाहिए। मैं खुद जेल में था, जेल का जो माहौल है वहाँ पे तो मैं देखा कि अजान भी हो रही है और हनुमान चालीसा भी पढ़ा जा रहा है। अगर अजान हो रही है तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले उसका एहतराम कर रहे हैं, और हनुमान चालीसा हो रहा है तो अजान देने वाले उसका एहतराम कर रहे हैं, और वहाँ लिखा भी हुआ है कि समाज सुधार केंद्र। तो ऐसे लोगों को तो पहले वो केंद्र में डाल दे, ताकि वो वहाँ जाके जहाँ समाज के ऐसे अनासिर होते हैं जिनको समाज में अच्छे ढंग से वो अपना समाज में नहीं रह पाते, उनको डाला जाता है। मगर सरकार के दबाव में पुलिस ऐसे लोगों को ज़रूर डाल दे रही है जो पहले से ही सुधरे हुए हैं, जो बिगड़े हुए हैं उनको महाराष्ट्र सरकार जेल में अगर डाले तो शायद वो कुछ सीख कर वहाँ से आए, और जो नफरत फैलाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। जो है, मैं इससे पहले भी बोला, जब वो आंदोलन जब त्रिपुरा के सवाल पे था उस वक्त भी मैं एक बात बोला था कि सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, और वही मालेगांव शहर के साथ भी हो रहा है मुसलसल कि महाराष्ट्र सरकार एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है, और मालेगांव शहर के सरकारी नुमाइंदे मुंह में घुगनी लेकर बैठे हैं, एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो माहौल आज बन रहा है, लोग ज़बरदस्ती शक्ति प्रदर्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि